भाई ये देखो क्या नजारा है, एक नंबर नजारा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल। वैसे आज की मैं तारीख बता दूं, आज है 24 जनवरी और आप सब जानते ही होंगे कि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। हम बाज़ार आए हुए थे, मैंने देखा ये यात्रा निकल रही है, मैंने तुरंत अपनी स्कूटी जो कि हमारी बकरिया है किनारे लगा दी और मैंने इस यात्रा का पूरा लुफ्त उठा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि हर प्रदेश की झांकी आपको फर्रुखाबाद की सड़क पे मिल जाएगी। भाई ये मैं पहली बार देख रहा हूँ फर्रुखाबाद में, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, मेरा जन्म फर्रुखाबाद का है, लेकिन ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि जितने भी इंटर कॉलेज हैं, सरकारी इंटर कॉलेज हैं, ये देखिए स्कूल के बच्चे, ये पूरे राज्य, जितने भी राज्य हैं भारत के, उन सब की झांकी निकाल रहे हैं। और मेरे को भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भाई लोग सब बीन बजाते हुए जा रहे हैं और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। ये पंडा बाग से आहा वीर शिवाजी, भाई शिवाजी के लिए एक लाइक बनता है, कितना अच्छा लुक है इनका। तो मैं ये कह रहा था ये यात्रा निकलती है पंडा बाग से और स्वराज कुटीर तक जाती है, मैं तो भाई इसको पकड़ पाया घूमना के आगे क्योंकि मैं हो गया था लेट और वाकई में मेरे को पता भी नहीं था। लेकिन यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि फर्रुखाबाद में इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। भाई मैं ब्लॉगर हूँ, मेरे को खुद नहीं पता था कि फर्रुखाबाद में ये सब होता रहता है, लेकिन आज मैंने उसको जब लाइव देखा यार, बच्चे लोग ना, वो जो आगे बच्चा जा रहा था कितना अच्छे से उसने डंडा जो है हिलाया। ये भारत माता जा रही हैं, भारत माता के लिए एक लाइक हो जाए, बड़ा ही अजीब एकदम अच्छा सा माहौल बना हुआ है। मैं वॉइस ओवर क्यों करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं मैं वॉइस ओवर क्यों करता हूँ, तो भाई यहाँ पे डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं और इन सब के चलते कॉपीराइट आ जाता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो में कोई कॉपीराइट आए। फिलहाल के लिए मेरी वीडियो में कोई कॉपीराइट नहीं है, बच्ची से मैंने झंडा लेके फहरा दिया, अलग ही खुशी। भाई 22 जनवरी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो मैं डाल चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे शहर के जितने भी सम्मानीय लोग हैं वो यहाँ पे राम भजन करते हुए, पहले मैंने सोचा कि पूरी वीडियो वॉइस ओवर कर दूं, लेकिन फिर जब मैंने डांस के क्लिप देखे ना और जब मैं एडिटिंग करने को बैठा तो मैंने सोचा भाई पूरी वीडियो जाने दो, कॉपीराइट क्लेम आएगा देख लेंगे। फाउंटेन पे लोग चढ़े हुए हैं, ये शायद पत्रकार लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, मैं तो भाई ब्लॉगर हूँ, अच्छे अच्छे एंगल लेते शूट करता हूँ वीडियो, यार चैनल नहीं चल रहा है मेरे को, बस यही दिक्कत हो रही है। आप लोग सपोर्ट करो चैनल को, वीडियोज़ देखो मेरी। हाँ मैंने माना कि थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया है, मेरे को लग रहा है कि दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। तो ये यात्रा है ना, ये बस अपने एंड पॉइंट पे पहुंच ही रही है और ये स्वराज कुटीर पे एंड हो जाएगी। अगर आपने यात्रा मिस कर दी है तो भाई आप अगली बार, अगली जो 24 जनवरी होगी ना, उसको आप इसका आनंद ले सकते हैं। पंडा बाग से चलती है, फिर बता रहा हूँ, और स्वराज कुटीर तक जाती है। जगह से लोग आए हुए हैं, ये देखिए इनका डांस, ये कोई बता रहा था जाने कहाँ से बनायूँ या फिर किसी और तरफ से ये लोग आए हैं, और बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पर करके दिखाया। ये देखिए पुलिस वाले भैया जो पीछे खड़े हैं वो भी इनका डांस देख के बड़ा खुश हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मोर का पंख हाथ में लिए हुए हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। भाई
भगवान का रूप होते हैं छोटे बच्चे, और इनका डांस देख के वाकई में मज़ा ही आ गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इनके साथ भी थोड़ा थिरकने लगा। बड़ा भाई फर्रुखाबाद में सब चीज़ें होती है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैं उसका डांस का ये नाम नहीं जानता हूँ, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में कि ये डांस का नाम क्या है। यहाँ पे बच्चे एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, ह्यूमन पिरामिड बना रहे हैं, और यहाँ से लहराया जाएगा भारत का झंडा। सम्मानीय लोग खड़े हैं यहाँ पे फर्रुखाबाद के, और ये बच्चे, ये देखिए भाई, जुनून और जज्बा, अलग ही आनंद है।